नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बिरसानगर थाना क्षेत्र के एक युवक पर गुरुवार की सुबह फायरिंग की गई। हालांकि युवक बाल बाल बच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच की। इस बीच पुलिस को खोखा भी नहीं मिला। वहां के कुछ लोगों ने भी पुलिस को बताया कि उन्होंने भी फायरिंग की आवाज सुनी है। थाना के ठीक पीछे की घटना है। क्या हुआ है ये बताइए तो। घर से जैसे निकले बाहर वेट कर रहा था वो जी, हम उसको जैसे जैसे निकले तो सामने पड़ा, मेरे साथ एक आदमी थे। हम बोले यहाँ क्या कर रहा तुम? उसको बोले वो कुछ बोला नहीं, आगे मुँह बना करके आगे बढ़ गया। आगे बढ़ के कोना गली में गया। कोना में गली से हम गाड़ी स्टार्ट किए स्कूटी जाने के लिए, वो बैक करके तुरंत वापस आया। वापस आने के बाद पॉकेट से पिस्टल निकाला, ये रिवॉल्वर था कट्टा, काला रंग का कट्टा, कट्टा निकाला। जैसे ही कट्टा निकाला तो गाड़ी का स्पीड हम बढ़ा के रस्सी के ऊपर उसको सोचे कि गिराएंगे, तब तक वो साइड हट के हट गया। फिर हम आगे बढ़ गए, जैसे कड़ी में कोना में घुसे हैं तो कोना को गोली चलाया। कुछ आपसी रंजिश या कुछ ऐसा पुराना विवाद? ऐसा कुछ नहीं पता मेरे को, उससे कुछ ऐसा नहीं है। कितना गोली चलाया? एक ही गोली चलाया। आपको गोली चलाया? नहीं गोली चलाया। कुछ पुराना विवाद? कुछ ऐसा चीज़ नहीं। किन लोगों ने चलाया ये? हाँ सब बताया ना, मंगल नाम, मंगल पहचान है इसको, अच्छी तरह से पहचान है। वो पुराना किसी गिरोह का है, कई बार जेल जा चुका है। वो बताएगा तो बताएगा कि इसको उसको कौन भेजा था, किस लिए भेजा था, क्या है नहीं है। पूरा नाम एक बार बोलेगा? पूरा नाम सम्मुख। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।